यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल कांग्रेस को रजनी पाटिल के रूप में नया प्रभारी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी जल्द मिल सकता है। कांग्रेस हाईकमान से जुड़े उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के तहत प्रदेश में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इसकी पूरी तैयारी हाईकमान की ओर से कर ली गई है। पार्टी की नई प्रभारी ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक जुटाए हैं उसी फीडबैक के आधार पर आलाकमान प्रदेश में संगठन में बदलाव की पटकथा को अंतिम रूप देने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच लगातार जारी शीत युद्ध को अब विराम देने के मूड में है। तो वहीं पार्टी हाईकमान को प्रदेश से जो फीडबैक दी गई है उसमें साफ बताया गया है कि सरकार और संगठन की दूरियों के चलते प्रदेश में वीरभद्र सरकार का मिशन रिपीट सरकार साकार नहीं हो पाया और कांग्रेस को पक्ष में बैठना पड़ा, जिसके चलते अब कांग्रेस हाईकमान की ओर से बड़े परिवर्तन करने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि अब संगठन के जीर्णोद्धार की भी तैयारी है। हिमाचल कांग्रेस को नया सरदार मिल सकता है, नया अध्यक्ष मिल सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी बदले गए और रजनी पाटिल को जो है प्रभारी की कमान सौंपी गई, तो वहीं अब हिमाचल कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल सकता है, जो पार्टी से जुड़े उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। जल्द ही अध्यक्ष पद जो है उसमें बदलाव हो सकता है, अध्यक्ष की कुर्सी में बदलाव हो सकता है। और आपको बता दें कि ये जब इससे पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तब जो है कहा गया था कांग्रेस ने हिमाचल में जो है अच्छा काम किया, लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं इसमें अध्यक्ष की भूमिका को लेकर जो है सवाल उठाए गए थे कि उन्होंने उतनी मजबूती से कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पाए वो हिमाचल के अंदर। और इसीलिए अब जो पार्टी से जुड़े उच्च स्तरीय सूत्र हैं उनके मुताबिक जो जानकारी मिल पा रही है कि अब हिमाचल कांग्रेस को नया सरदार यानी नया अध्यक्ष मिल सकता है। और हमारे साथ नरेश चौहान जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका नरेश चौहान जी खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी नरेश चौहान जी, खबरें ये आ रही हैं कि हिमाचल कांग्रेस में अध्यक्ष की कुर्सी अब जो है बदली जाएगी, अध्यक्ष कौन होगा हिमाचल का अगला, वो जो है बदलाव होने वाला है? नहीं देखिए, ये हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये केवल मीडिया में स्पेकुलेशन हो रही है। कोई बदलाव की कोई इस तरह की पार्टी हाईकमांड ये सारे फैसले लेता है जी। किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष को बनाना या बदलना या बड़े लेवल पे जो भी फैसले होते हैं पार्टी हाईकमांड और राहुल गांधी जी लेते हैं। तो ये केवल मीडिया स्पेकुलेशन है। और अभी हमारी नई प्रभारी आई थी रजनी पाटिल जी, सब कांग्रेस जनों से मिलके नेताओं से मिलके दो दिन का बड़ा दौरा रहा और हर व्यक्ति से वो मिलके गई और पूरी जानकारी 2019 को लेके तैयारियों में कांग्रेस पार्टी लगी है। पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी भी दौरे पे निकले हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करके 2019 की चुनाव की प्राथमिकता। नरेश चौहान जी आप कह रहे हैं मीडिया की स्पेकुलेशन है, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि जब हिमाचल विधानसभा चुनाव में हार मिली कांग्रेस को तो अध्यक्ष को लेकर जो है सवाल उठाए गए थे? देखिए पार्टी अध्यक्ष का रोल और हमारी सरकार की पिछली बार सरकार का उसमें रोल था, अध्यक्ष का रोल था, पार्टी का रोल था, वो उसके लिए राहुल गांधी जी पहली बार खुद शिमला आए थे समीक्षा करने हार के बाद, वो पूरे कारणों को उन्होंने जाना है, खुद वो सभी कार्यकर्ता और नेताओं से मिले थे, जो लोग चुनाव लड़े थे राहुल गांधी जी से सब लोग मिले, सब ने अपनी बात रखी कि कौन से कारण रहे। लेकिन ये केवल कि अध्यक्ष बदल रहे हैं ये मीडिया की स्पेकुलेशन है, राहुल गांधी जी ने जब फैसला लेना होता मांग उठ रही है नरेश चौहान जी पार्टी के अंदर से मांग उठ रही है हिमाचल में कि अध्यक्ष जो है बदले जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष की अपनी राय हो सकती है। नरेश चौहान जी आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं तो व्यक्ति विशेष की राय कैसे कहेंगे आप उसको? नहीं तो अब आप बताइए ना कि आप हमारी जो आप प्रभारी थी वो सबसे बड़े एक औहदा है प्रदेश के लिए, वो सबसे मिलके गई, 95% लोग वहाँ मिले उनसे। जी चलिए बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी जुड़ने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। हालांकि इसको कबूल नहीं कर रही है कांग्रेस अभी, लेकिन जो उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि जल्द ही अध्यक्ष पद जो है वो किसी और के हाथ में जा सकता है, यानी बदलाव हो सकता है।
और हमारे साथ सुखराम चौधरी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका सुखराम चौधरी जी खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। सुखराम चौधरी जी, उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि हिमाचल में जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष पद में जो बदलाव है वो जल्द हो सकता है। हालांकि कांग्रेस इसको मान नहीं रही है लेकिन खबरें लगातार सामने आ रही है। और इसका मैडम इंटरनल मामला है जी। इससे कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष बने जग जाहिर है कि कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, अध्यक्ष कुछ बोलते हैं जी, इसलिए इनका इंटरनल मामला, इसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। चलिए, बहुत शुक्रिया सुखराम चौधरी जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो इंटरनल मामला बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि इंटरनल मामला है कांग्रेस का, अगर बदलाव होते भी हैं तो।